नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप 9 पॉइंट की हेल्प से भगवान गणेश जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। आप यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से 9 पॉइंट लगा दीजिएगा, सेम डिस्टेंस पर आप 9 पॉइंट लगाएंगे। फिर इसके बाद इस पहले वाले पॉइंट से आप दूसरे वाले पॉइंट से हाफ सर्कल बना दीजिएगा, एक छोटा सा हाफ सर्किल आप इधर भी ऐसे बना देंगे। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से ऐसे डबल करना होगा, ध्यान से करिएगा, ये हो गया हमारा डबल। फिर इसके बाद एक बार आपको और ऐसे बनाना होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए यहाँ पे आप ऐसे बना दीजिएगा। अब आप बहुत ही ध्यान से यहाँ से पहले वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट को मिला दीजिएगा, फिर आपको यहाँ से ऐसे मिलाना होगा। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान गणेश जी की जय जरूर लिखिएगा। यहाँ से आप ऐसे नीचे की तरफ ले जाइएगा, फिर इसके बाद यहाँ से आप ऐसे और नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब आपको छोटा सा हाफ सर्किल बनाना होगा, इसकी हेल्प से आप एक ऐसे लिप्स बना दीजिएगा, ये हो जाएगा। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऐसे छोटा सा लिप्स एक यहाँ बनाना होगा, एक आप यहाँ पे भी ऐसे बना दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, अब आपको यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से इस तरह आपको हाफ सर्किल बनाना होगा, इसको और अंदर की तरफ करिएगा, फिर ऐसे ऊपर की तरफ उठा दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी रिपीट करिएगा, हाफ सर्किल बनाते हुए यहाँ पे ऐसे ले जाइए और यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आप भगवान गणेश जी का सूंड बना देंगे। यहाँ पे हल्का सा अंदर की तरफ करिएगा, इस पॉइंट का यूज करते हुए यहाँ पे से छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देंगे। छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक हल्का सा हाफ सर्किल इधर बनाइए, एक हाफ सर्किल आप इधर ऐसे बना दीजिएगा। अब आपको करना क्या, देखिएगा, इस वाले पॉइंट से आप ऐसे आगे की तरफ छोटी सी लाइन बढ़ाइए, एक लाइन हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए आप इधर ऐसे ले जाइएगा। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे, यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ कर दीजिएगा, इधर भी आप ऐसे अंदर की तरफ करते हुए एक इस पॉइंट का यूज करते हुए आप इधर ले जाइए। और दोस्तों, अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर भगवान गणेश जी का एक तीर्थ बनाना होगा, एक यहाँ पे आप फूल तीर्थ बना दीजिएगा, इसको आप ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट का यूज करते हुए जस्ट इसी के आप ऊपर एक ऐसे हाफ सर्कल बनाइए, एक छोटा सा आप इधर भी ऐसे बना दीजिएगा, ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से एक लिप्स बनाना होगा, इधर भी आप ऐसे छोटा सा लिप्स बना दीजिएगा और यहाँ पर ऐसे सर्कल बनाकर इसको मार्कर या पेंसिल की हेल्प से जिससे भी आप बना रहे हैं डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा, हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए आप ऊपर की तरफ यहाँ पर उठा दीजिएगा, एक छोटा सा हाफ सर्कल बनाइए और यहाँ से आप ऐसे नीचे की तरफ कर दीजिए। देखिए कितना आसान है, एक यहाँ पर हाफ सर्कल बनाइएगा और उसको भी हम ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे। अब आपको एक छोटा सा हाफ सर्कल बनाना होगा, यहाँ से आप ऐसे एक 3 नंबर लिख दीजिएगा, 3 नंबर लिखने के बाद हाफ सर्कल बनाते हुए इसको आप ऐसे मिला देंगे। ऊपर के साइड में एक फिंगर बनाइए, एक फिंगर और बनाइएगा, ये हो जाएगा। एक आप बड़ी सी फिंगर यहाँ पे बना देंगे, एक छोटा फिंगर यहाँ पे बनाते हुए आप ऐसे टच कर दीजिएगा, इसको छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा। एक आप यहाँ पे हाफ सर्कल बनाइए, एक लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ पे भी आप ऐसे छोटे छोटे बहुत ही आसान तरीके से भगवान गणेश जी के लिए लड्डू बना दीजिएगा। एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए, इसको डबल करिए, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। तो ये हमारे बहुत ही आसान तरीके से भगवान गणेश जी का चित्र बनकर तैयार हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।